अब आज तीसरी टेक्निक बताते हैं, प्लग योर ईयर्स विद कॉटन एंड सिट इन अ क्वाइट प्लेस एंड यू विल हियर द नॉइज दैट गो ऑन विद इन यू। अब क्या करना है ये टेक्निक में, कोई शांत जगह पर बैठ के दोनों जो कान हैं वो रुई से भर देना है, कान को बिल्कुल बंद कर देना है ताकि बाहर का आवाज़ कानों के अंदर न जा पाए। तो उसे हम अंदर का आवाज़ देख पाएंगे। तो अंदर की कौन से आवाज़ है, तो एक तो द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, मतलब जो विचार वृत्ति के जो चल रही है उसका भी आवाज़ है। हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता है पर विचार अंदर चल रहा है, वो भी एक अंदर कोलाहल एक आवाज़ उत्पन्न करता है। दूसरा है तो ब्रीदिंग, श्वास आता है जाता है तो अंदर लंग्स के अंदर थोड़ा घर्षण होता है तो उससे एक आवाज़ बनती है। और तीसरा जो है द नॉइस ऑफ द बीटिंग ऑफ द हार्ट, हृदय के जो धक्कार है उसका उससे भी नॉइज बनती है। हृदय का धक्कार तो हम कभी कभी सुन सकते हैं, आप एकदम बेड पर रिलैक्स होते हैं तो वो आवाज़ सुन सकते हैं, पर ये तीनों आवाज़ जो है वो कानों में कॉटन डाल के शांति से बैठ के एक के बाद एक सुनने का प्रयत्न करना है। तो तीनों में से सबसे आसान कौन सा है कि हार्ट बीट जो है वो हम पहले पकड़ सकते हैं, फिर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ब्रीदिंग का भी हमें पता चलेगा, पर माइंड मॉडिफिकेशन का पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लंबी प्रैक्टिस करेंगे तब शायद उसका नॉइज जो है वो पकड़ पाएंगे। ट्राई टू लिसन एंड ऑल्सो ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस साउंड, तो इन तीनों साउंड को सुनने का प्रयत्न करें और तीनों के बीच में क्या अंतर है, अलग अलग प्रकार के तीनों नॉइस है तो तीनों के बीच में क्या अंतर है वो भी आप समझे। ट्राई टू हियर देम सेपरेटली इंडिविजुअली, तो एक के बाद एक का प्रयत्न करें, पहले हार्ट का तो सिर्फ हार्ट का ही सुनने का प्रयत्न करें, फिर लंग्स का जो है उसको सुनने का प्रयत्न करें और फिर मॉडिफिकेशन का। डू नॉट गो बाय एनीथिंग यू मे हैव हर्ड और रेड, जो कुछ सुना है पढ़ा है उसको भूल जाओ। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो खास इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कुछ ऐसा कुछ सिमिलर सुना या पढ़ा है तो वो बीच में आ जाता है, तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस जो करनी है वो उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं तो वो उसको भूल जाना है। विचार वृत्ति, जस्ट हियर क्लियरली एंड इंडिविजुअली एज यू कैन हियर, तो एकदम क्लियरली जितना हो सके इतनी स्पष्ट रूप से उसको सुनने का प्रयत्न करो, और इंडिविजुअली मतलब एक पर्टिकुलर साउंड। दिस विल बी पॉसिबल इफ यू फॉरगेट योर पास्ट एंड नॉट इवन ट्राई टू इमेजिन ए हैप्पी फ्यूचर, तो क्यों ऐसा कहा कि भाई ये तभी संभवित होगा कि अगर आप आपका भूतकाल को भूल जाओगे और हैप्पी फ्यूचर के लिए मतलब सुखद भविष्य की कल्पना में नहीं रहना है और भूतकाल जो गया जो था उसको भी भूल जाना है, ये सेंटेंस यहाँ क्यों डाला, इसका क्या कनेक्शन है? नहीं, ये प्रैक्टिस से उसका क्या संबंध है? इस प्रैक्टिस के साथ क्या इसका संबंध है, यहाँ क्यों रखा है इसको ये सेंटेंस? फ्यूचर की जो मेमोरी है, बिल्कुल मेमोरी को हम लोग जब तक हमारे जब ये हम सुनने का प्रयत्न करेंगे तो विचार तो आएंगे, विचार में वो पास्ट आ जाएगा या फ्यूचर आ जाएगा तो हम सुनना जो है जो प्रैक्टिस करनी है वो चुप जाएंगे, वो छुप जाएगी।
तो इसीलिए पहले जो है ये इन विचारों से मुक्त हो जाना है। जब शांति से बैठते हैं, जब प्रैक्टिस करनी है, जो कुछ है उसको छोड़ दो अभी, और अभी प्रैक्टिस ही करना है। इसमें मन लगा के ये करना है। तो इसके लिए ये थोड़ा पास्ट और फ्यूचर को साइड पर रख देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड विल बी स्लो डाउन। क्या होगा कि जो मॉडिफिकेशंस है वो स्लो डाउन होते जाएंगे, धीमे होते जाएंगे। इवन इफ दे डू नॉट ट्राई एंड सो कॉल्ड कंट्रोल, तो जो हम सो कॉल्ड कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, मन को पकड़ने का, मन को जकड़ के रखने का, वो कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अपने आप में वो जो है मॉडिफिकेशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कंटिन्यू 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, तो फिर इसके साथ में बाद में 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करना है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होगा, उस दौरान दिस 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग रिड्यूसेस नॉइस कोल बाय द लंग्स एंड हार्ट टू मार्क डिग्री। अब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं और साथ में अगर इसको सुनने का प्रयत्न करते हैं तो ये जो लंग्स का और हार्ट का जो नॉइस है उसको काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में वो कम हो जाएगा। रिमेंबर नॉइस इज वन थिंग एंड रिदमिक साउंड इज क्वाइट डिफरेंट। अब जब आप सुनते हैं तो ये जो अंदर जो दूसरे आवाज़ आ रहा है नॉइस, वो अलग चीज़ है, और रिदम जो रिदम है, रिदम का भी एक साउंड है, तो फिर हम रिदम का भी साउंड सुन पाएंगे। तो ये भी अलग है, उसको हमें समझना है। एंड इट इज़ नॉट लाउड, रिदमिक जो साउंड है वो लाउड नहीं होगा। व्हेन डेली यू हैव टू योरसेल्फ दिस प्रैक्टिस, यू हैव टू योरसेल्फ दिस प्रेसियस मिनट्स, ए सॉर्ट ऑफ इंटरनल साइलेंस विल बी एक्सपीरियंस। जब आप ये करेंगे, ये प्रेसियस मिनट जो है बहुत अमूल्य समय है, जिस दौरान आप ये करने का प्रयत्न करते हैं, तो आप आंतरिक शांति का अनुभव कर पाओगे। अब हम आंतरिक शांति के लिए हिमालय आते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर आंतरिक शांति अंदर ही पड़ी है वो हमें पता नहीं है, न कभी हम उसका प्रयत्न करते हैं। हम ढूंढते हर चीज़ को बाहर, पर हर चीज़ का सॉल्यूशन है अंदर। तो अगर इंटरनल साइलेंस एक बार प्राप्त हो जाता है तो जो है हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का सेटिस्फेक्शन हमें उसी जगह पर मिल जाता है। द सेल्फ, ईश्वर, गुरुदेव ऑलवेज स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, अ मियर विश्वर, एंड ओनली व्हेन दिस इंटरनल नॉइस इज रिड्यूस्ड इट इज पॉसिबल टू कैच अ वर्ड हियर एंड अ वर्ड देयर इन द बिगिनिंग। अब क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो हमेशा हमें बोलता रहता है कुछ ना कुछ, धीमा धीमा, बहुत सॉफ्टली, एकदम धीमा धीमा बोलता है। पर क्योंकि हमारे अंदर ही इतना इतना कोलाहल, इतनी आवाज़ है, तो उसको हम कभी भी सुन नहीं पाते। तो भगवान का आवाज़ सुनना है तो पहले ये सब कोलाहल को अंदर से शांत करना पड़ेगा। और वो विस्पर करता है, मतलब वो ऐसे हम बोलते इस तरह आवाज़ नहीं आएगी अंदर से भगवान की, एकदम विस्पर करता है, एकदम स्लोली सॉफ्टली कोई आवाज़। और शुरू में तो एक आध वर्ड यहाँ से आया, एक आध वर्ड यहाँ से आया, ऐसा सुनाई देगा। फिर कुछ धीरे 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 हम वो वर्ड सुन पाएंगे। उसके अंदर गाइडेंस होता है, उसके अंदर जीने का तरीका होता है। अब हम अपनी मर्जी से जीते हैं, जब ये होता है तो हमारा जीवन और ढंग से चालू होता है, क्योंकि अब हम गुरुदेव जो ईश्वर है उसके मार्गदर्शन से हम फिर चलना, जीना शुरू करते हैं। तो जीवन का एक जो है आयाम ही बदल जाता है जब हम गुरु के
ईश्वर के मार्गदर्शन से या उसकी प्रेरणा से फिर जीने का शुरुआत करते हैं तो जीवन एकदम अलग हो जाता है। वहाँ फिर कुछ राग द्वेष नहीं होता है, मैं तू नहीं होता है। अब एक दो कोटेशन उन्होंने दिए हैं, किसी और बुक के होंगे, उनके खुद के नहीं है। टू एंटर द साइलेंस सिग्निफाइज द साइलेंसिंग ऑफ ऑल अनरियलिटी ऑफ डाउट फियर फॉल्स बिलीफ्स वरी कंप्लेनिंग ग्रीफ ऑफ एवरीथिंग दैट इज मियरली ऑफ द आउटर पर्सनालिटी एंड रिमेनिंग फिक्स्ड in the reviving fires of in pine pouring restoring life। तो क्या कहते हैं कि जब आप साइलेंस में एंटर होते हैं तो कौन सी चीजें बनती है, क्या होता है, क्या क्या कौन सी चीजें साइलेंस हो जाती है? तो पहली चीज है अनरियलिटी, कृत्रिमता। जो हमारे अंदर कृत्रिमता है, अनरियलिटी है, वो शांत होती जाएगी। फिर डाउट्स, जो अंदर शंका हमेशा बना रहता है, तो शंका जो है डाउट से वो अंदर साइलेंस होते जाएंगे। फिर फियर, डर, अलग अलग प्रकार के इंसान को डर लगता है। सिक्योरिटी हमेशा आदमी तो ढूंढता रहता है, तो ये फियर इनसिक्योरिटी इससे वो मुक्त होता जाएगा। फॉल्स बिलीफ्स, तो कुछ गलत मान्यता है, खास करके धर्म के बारे में और धर्म द्वारा बहुत सारी फॉल्स बिलीफ्स हमारे अंदर घुस जाती है, और समाज के अंदर भी, समाज के रीति रिवाज जो है वो सब फॉल्स है, और वो रीति रिवाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये सब फॉल्स बिलीफ्स है। वो बिलीफ से हम धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। वरी, चिंता, चिंता है, छोटी छोटी बातों में चिंता आ जाती है, कुछ थोड़ा बुरा हुआ, या कभी तो कल्पना से ही चिंता आ जाती है। कल्पना करते हैं कि घर पर सब ठीक है कि नहीं, कुछ ऐसा सोचते हैं कुछ गलत और चिंता चालू हो जाती है। तो इससे भी अगर हम साइलेंस में एंटर होते हैं तो ये सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। कंप्लेनिंग, जो हमारे अंदर बार बार कंप्लेनिंग का भाव आता है ना, कंप्लेन करते हैं, ये क्यों ठीक नहीं है, ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदमी तो ऐसा है वैसा है, हमेशा हमें हम कंप्लेन करते रहते हैं, तो कंप्लेनिंग निकल जाएगी अंदर से। जो है उसको एक्सेप्ट करने का अंदर से एक भाव आएगा, स्वीकृति भाव। कंप्लेनिंग कब होती है कि जब स्वीकृति भाव नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तब हमारे अंदर कंप्लेन होती है। ये है तो है, एक आदमी जो है वो गलत कर रहा है तो वो आदमी है, इसका स्वभाव ऐसा है, अगर हम इसको स्वीकार कर लेते तो कंप्लेन नहीं बनती है। पर क्यों ऐसा है, जैसे अब प्रश्न आएगा तो फिर कंप्लेन आ जाएगी। स्वीकार करना सीखना चाहिए, हर चीज का, हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति के स्वभाव का, नो कंप्लेन। ग्रीफ ऑफ एवरीथिंग दैट इज मियरली ऑफ द आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी मतलब ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है ना, वो आउटर पर्सनालिटी है, और आत्मा जो है अंदर वो रियल है। तो आउटर पर्सनालिटी जो है उसका दुख, ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, तो आउटर पर्सनालिटी के अंदर दुख कुछ ना कुछ रहता है। कंप्लेन, शरीर का दुख होता है, मन के अंदर दुख होता है, तो वो जो दुख है उससे भी फिर हम मुक्त हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग फिक्स्ड इन द रिवाइविंग फायर्स ऑफ इन पोरिंग रिस्टोरिंग लाइफ, तो फिर जो हमारे अंदर जो फायर है उसको रिवाइव होगा, वो फिर से चालू हो जाएगा। जो अंदर क्या जो अग्नि है अंदर, वो फिर से चालू हो जाएगा, और लाइफ जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी, पुनः स्थापित हो जाएगी।
ये सब कैसे होगा अगर हम रियल साइलेंस के अंदर एंटर होते हैं तो। और रियल साइलेंस में एंटर होने के लिए जो नेट प्रैक्टिस है वो कॉटन का प्लग लगा के, प्लगिंग करके ये जो अंदर साउंड है डिफरेंट डिफरेंट उसको सुनने का प्रयत्न करना है। तो ये बिगिनिंग है। इस तरह जब साउंड को सुनने का प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे एक बिगिनिंग बनता है साइलेंस की ओर जाने का। फिर इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शांति से बैठते हैं और साइलेंस अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये रियल साइलेंस जब आएगा तब ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी तकलीफें जो है वो निकल जाएगी। दूसरा भी कुछ ऐसा कोटेशन है, टू एंटर दिस साइलेंस इज टू एंटर दिस लिविंग ग्लोइंग इनक्यूबेटिंग चैम्बर रेडियंट विथ रिज्यूवेनेटिंग लाइफ बियॉन्ड द एप एंड फ्लो ह्यूमन क्लेमर एंड एजिटेशन। तो ये किसी का कोटेशन उन्होंने लिया है कि जब साइलेंस में एंटर होते हैं तो एक ऐसा जीवन के अंदर हम एंटर होते हैं कि जहाँ ग्लोइंग जो ऐसा ग्लो होता है, इस तरह का ये चीज़ है जो एक प्रकार का जैसे कि विकसित कॉक्स कैसा हो, इस तरह का उसके अंदर हम एंटर होते हैं। जब साइलेंस में एंटर होते हैं तो एक विकसित कॉक्स के अंदर जो ग्लो करता हो, इस तरह का हो, उसमें एंटर होते हैं और जो हमारा जो लाइफ है वो रिजुविनेटिंग मतलब कि एक कायाकल्प बन जाता है और रेडियंट तेजस्वी। तो जीवन जो है वो तेजस्वी और कायाकल्प वाला होता है और जो ह्यूमन क्लेमर मतलब जो अंदर जो कोलाहल चल रहा है और एजिटेशन उत्तेजना चल रहा है, इन सबसे बियॉन्ड की जो जीवन है वो जीवन साइलेंस के अंदर हमें मिलता है, जो एक रेडियंट जीवन है, जो रिजुनोवेटिंग जीवन है, इस तरह का जीवन साइलेंस के अंदर एंटर होने से हमें मिलता है। तो यहाँ ये टेक्निक की बात यहाँ तक उन्होंने की है, साइलेंस तक के अंदर एंटर होने से क्या होता है। अब वो दूसरी बात आगे करते हैं। फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ फूड एंड स्लीप एज गिवन टू यू इन चार्ट फॉर्म इन द एक्स्ट्रा मीटिंग ऑफ October 7 एंड कट डाउन एटलीस्ट 20-30 मिनट्स ईच डे सो दैट यू कैन डिवोट सच सेविंग ऑफ टाइम टू दिस एक्सरसाइजेस। अब ये सारी एक्सरसाइज करनी है, ये करना वो करना है, नई नई एक्सरसाइज तो सामने आती जाएगी, तो समय कहाँ से लाएंगे। तो कहते हैं कि भाई ये जो आपको फूड का चार्ट हमने लास्ट टाइम देखा था, ये फूड का चार्ट दिया है और स्लीप का चार्ट दिया है और उसके अंदर फूड कम करते जाओ और स्लीप का टाइम कम करते जाओ। तो स्लीप का टाइम रोज़ 20 से 30 मिनट आप स्लीप को कम करते हो तो 20 से 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। दूसरा, आज हम रात को खाते हैं जो लोग, तो आप खाते हैं तो आगे पीछे कुछ प्रैक्टिस हो नहीं सकती है। जिस दिन आपको रात का खाना बंद हो जाएगा तो आपके पास समय ही समय रहेगा, आप आराम से आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। तो ये जो है रात का खाना के कारण हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। अब इस सिस्टम में कई लोग रात को खाते नहीं है पर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है, और करते हैं तो छोटा बहुत करते हैं, तो कोई इसका फायदा नहीं है। हम नहीं खाते हैं तो वो तो अच्छी बात है पर उस टाइम का बेनिफिट क्या लेते हैं। फिर टीवी देखने में वो समय चला जाता है, कोई और चीज़ में फ़ोन के ऊपर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है। और कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट रिफाइनिंग करके संतोष ले लेते हैं, चलो शाम की साधना ख़त्म हो गई अब, तो कोई मतलब नहीं है। शाम जो है सूर्योदय और सूर्यास्त वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। शाम को 7 बजे बैठ जाओ और अर्ली मॉर्निंग जो सुबह में सूर्योदय होता है, दोनों टाइम को हमें पकड़ना चाहिए अगर प्रोग्रेस करना है, क्योंकि उस दौरान प्रकृति हमें सपोर्ट करती है, नेचर जो है वो हमें सपोर्ट करती है। तो उस दौरान कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए।
रिमेंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशियंटली वैल्यूड, फिर से वही बात है, जो जो गेन करना है, जो लक्ष्य है, वो सफिशियंटली वैल्यूड है तो ही सब कुछ हो सकेगा। वो बार बार ये बात दोहराते रहते हैं। रिमेंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशियंटली वैल्यूड एंड इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच यू वैल्यू फॉर ऑब्टेनिंग द मोमेंट ऑफ ग्रेस, सो टू दैट एक्सटेंट विल योर एंडोवियर बी इंटेंस और अदरवाइज। तो मानो कि एक लक्ष्य है, और अगर आपका लक्ष्य है ये ग्रेस की मोमेंट को पाना है, तो आप कितनी वैल्यू करते हैं, जितनी आप वैल्यू इसकी करोगे इतनी आप, कोई भी चीज़ है दुनिया की जिसकी आप जितनी वैल्यू करोगे इतना आप इसके नज़दीक जाओगे। वो भगवान है, वो साधना है, वो पैसा है, कुछ भी है, वो आप इसकी कितनी वैल्यू करते हैं। पैसे की वैल्यू करते हैं तो पैसे के पीछे हम भागेंगे, साधना की वैल्यू करेंगे तो साधना के पीछे जा सकेंगे। तो किस चीज़ की हम कितनी वैल्यू करते हैं इसके ऊपर पूरा जो है हमारी प्रैक्टिस या हमारा जो जीवन है उसका पूरा आधार इसके ऊपर रहता है, वैल्यू किस चीज़ की हम करते हैं। और सफिशियंटली वैल्यू होनी चाहिए। अगर साधना में या मानो कि ऐसी कोई ग्रेस की मोमेंट चाहते हैं या साइलेंस चाहते हैं तो सफिशियंटली वैल्यूड वो होनी चाहिए। सफिशियंटली वैल्यूड होती है तो ज़रा ज़ोर से हम इसके पीछे जाते हैं। वैल्यू कम है तो फिर हमारा एफर्ट भी कम हो रहेगा। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीइंग कॉन्शियस इन दिस लाइफ of the practices and the intensity of the endeavor will be a recurrence of it in your next life. कल रात को बात किया था ना recurrence next life में, तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ बींग कॉन्शियस इन दिस लाइफ, इस जीवन के अगर हम कॉन्शियस बनते जीवन के प्रति, साधना के प्रति, और हम हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसका ग्रेट एडवांटेज क्या मिलेगा कि द इंटेंसिटी ऑफ द एंडोवियर विल बी रिकरेंस इन योर नेक्स्ट लाइफ। अब दूसरा जीवन जब मिलेगा तो वही जो आपने किया है वही चीज़ आगे जाएगी। इस जन्म में जो प्रयास किया आपने, इस जन्म में जो एफर्ट्स लगाए, इस जन्म में जो जो प्रैक्टिसेस आपने की वो अगर सही ढंग से की, कॉन्शियसली की, तो वो चीज़ नेक्स्ट जन्म में आपको आके मिलेगी। तो कितनी इंटेंसिटी से ये सब आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। रिकरेंस तब होता है कि इसके अंदर इंटेंसिटी होती है। रिकरेंस मतलब फिर से वो चीज़ का मिलना, फिर से वो चीज़ चालू हो जाना। तो वो ये सारी प्रैक्टिसेस हम करते हैं पर अगर ल्यूक वॉर्म करते हैं, जैसा गुनगुना पानी होता है इस तरह करते हैं, ल्यूकवॉर्म करते हैं, तो ये नेक्स्ट जन्म में कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अगर इंटेंसिटी से करते हैं तो ये नेक्स्ट जन्म में मिलता है। देखो हम कई लोगों को देखते हैं, कोई अच्छे साधक मिल जाते हैं तो गहराई से साधना करते हैं, दिल से साधना करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ, ये रिकरेंसी है ना, ये रिकरेंसी है ना, मतलब उसने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ प्रयत्न किया है, उसको कुछ लगाव है साधना के प्रति, तो इस जन्म में उसका मन जो है उसके प्रति जाता है, उसका एक लक्ष्य बन जाता है साधना, और उसको लगता है कि नहीं साधना में जाना है। अब आज से हम भी शुरू करेंगे अगर दिल से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में हमें भी ये सारी चीज़ें मिले। पर हम इसको लाइटली लेंगे, लाइटली करेंगे तो कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो भी ठीक है, कुछ हम छोटे मोटे प्रयत्न कर सकेंगे, पर अगर इंटेंसिटी से आज करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आगे जाके हमें मिलेगी। तो ये फिर से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितनी इंटेंसिटी से हम सारी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं।
if you are lukewarm, perhaps such an opportunity may not come your way for many lifetimes. अगर इस जन्म में तो चलो कुछ अच्छाई से, कुछ सदनसीब से आपको ये मिल गया, ये साधना का मार्ग मिल गया, ये आसान सी टेक्निक सब मिल गई, पर अगर इसको आपने ल्यूकवॉर्मली ले लिया, मतलब कुछ सीरियसली नहीं लिया आपने और सीरियसली काम नहीं किया, तो दूसरे कब वो अपॉर्चुनिटी आती है? शायद और कितने जन्म निकल जाए और उसके बाद में फिर ये ऐसी तक मिले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो साधना है ना वो साइकिल में चलती है। एक चीज़ जो हमारे सामने आती है वो एक साइकिल में आती है, उस मोमेंट को हमने नहीं पकड़ा तो वो साइकिल कब रिपीट होगी वो किसको पता नहीं है। कभी पाँच साल में भी आ सकती है, पाँच जन्म में भी आ सकती है और इससे भी आगे पीछे हो सकता है। ये सब जो चीज़ें चलती है वो साइकिल में चलती है। तो जो अपॉर्चुनिटी सामने आई, कोई साइकिल से हमारे सदनसीब से आ गई हमारे सामने ये साइकिल और ये अपॉर्चुनिटी, इसको नहीं उठाया तो वो साइकिल कब घूम के आएगी हमें पता नहीं है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो जो सामने आ रहा है, जो अच्छी चीज़ें सामने आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बी अर्नेस्ट, इसीलिए गंभीर बनो, अर्नेस्ट बाय ऑल मीन्स, डू योर ड्यूटी वेल, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट एंड डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, बट आफ्टर हैविंग डन सो फॉरगेट ऑल अबाउट इट, एंड इफ ड्यूरिंग दिस समथिंग हार्श और पेनफुल वर्क टू टेक प्लेस, फॉरगेट इट ऑल्सो, for more you fill your mind and your memory compartments, the less room you will have for the practice. यहाँ बहुत अच्छी बात की है कि एक तो जो है साधना तो करनी है, पर पहले आपकी जो ड्यूटी है, फैमिली की ड्यूटी, समाज के अंदर की ड्यूटी है, उसको भी फुलफिल करो और अच्छी तरह फुलफिल करो। ऐसा नहीं, अच्छी तरह जो आपकी आपकी जिम्मेदारी जो आ गई है आपके सामने उसको निभाओ, उससे भागो मत, रन अवे उससे भागो मत, और आपकी जो आपकी जो अपनी एबिलिटी है उससे करो। आपके अंदर पैसा कमाने की एबिलिटी है तो इतना कमाओ, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा नहीं है, पर इसको छोड़ के नहीं, ये साथ साथ में रहना चाहिए। अगर एक साइड पर हम चले गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। और कहते हैं कि आफ्टर हैविंग डन सो फॉरगेट ऑल अबाउट इट, एक बार आपने आपकी जिम्मेदारी को निभा लिया फिर भूल जाओ, फिर चिपके मत रहो। अभी मेरा बेटा की बेटी, बेटी की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, वो भी सबको पकड़ के रखते हैं और जी लगा लेते हैं उसके अंदर, और जो हमारा जो हमें जो अपना कर्म करना चाहिए वो हम चुक जाते हैं। तो ये नहीं, कर लो एक बार सब कुछ, और आपको पता होना चाहिए कि अब मेरी यहाँ हो गया, मेरा काम खत्म, अब मेरा रास्ता जो है वो मुझे पकड़ लेना है। तो ये चीज़ आपको अंदर आनी चाहिए, फॉरगेट ऑल अबाउट इट, एंड इफ ड्यूरिंग दिस समथिंग हार्श और पेनफुल वर्क टू टेक प्लेस, और हो सकता है कि ये जब जीवन जी रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसी दुखद घटना बन जाए, कोई हार्श चीज़ बन जाए, तो उसको भी भूल जाओ, फॉरगेट इट ऑल्सो। अगर कुछ जीवन में कुछ तूफान आ गया, तकलीफ आ गई, तो उसको भी भूल जाओ, उसको भी छोड़ दो। फॉर मोर यू विल फिल योर माइंड एंड योर मेमोरी कंपार्टमेंट, द लेस रूम यू विल हैव फॉर द प्रैक्टिस। अगर हमें हमारा दिमाग ये सारी चीज़ों से भर देंगे तो प्रैक्टिस के लिए कहाँ रूम रहेगा, प्रैक्टिस के लिए कहाँ अवकाश रहेगा। और हमने ऐसा ही किया है, हमारा पूरा जो है माइंड जो है और दिमाग जो है ये ऐसे पूरे संसार से भर दिया है, ये है वो है, ये करना है वो करना है, ऐसी मेमोरी बना ली है। सुबह उठते हैं और तब से वही मेमोरी चालू हो जाती है, ये करना है वो करना है उसको मिलना है, तो प्रैक्टिस के लिए कोई अवकाश ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इतनी सारी चीज़ें हमने दिमाग में भर भर के
रखी हुई है। रिमेंबर द ग्रेट बुद्धास वेरी फ्रूटफुल वर्ड्स, भिक्षु एम्प्टी द बोल। भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि भाई अभी खाली तो करो, चलो अब तक तो भर लिया, अब तो उस समय तो ना समझी थी, कुछ समझते नहीं थे और गलती से सब भर लिया, पर अब तो समझो, अब तो उसको खाली करने का प्रयत्न करो। सो कंटिन्यू विथ दीज प्रैक्टिसेस। अब तक मैं ये मीटिंग नोट्स में जो जो प्रैक्टिसेस दिए है उसको फिर से दोहराते हैं कि क्या क्या आपको करना है। सो कंटिन्यू विथ दिस प्रैक्टिसेस। ए स्लीप एक्सरसाइज जो आपको बंद करने की दी है वो। दूसरी सीइंग ए सेक्शन और एरिया ऑफ द बॉडी एज टोटली होलो। तीसरी प्लगिंग द ईयर विथ कॉटन, रिलैक्सिंग एंड कैरिंग ऑन विथ थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो जो कानों में प्लगिंग करना है और उसके साथ में थ्री स्टेप करना है। एंड ट्राई टू हियर सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली द साउंड प्रोड्यूस विद इन बाय ए लंग्स, बी हार्ट, थ्री माइंड मॉडिफिकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ सिंसियर वर्क एंड थस क्रिएटिंग साइलेंस विद इन। तो ये तीसरी कसरत है कि जिसके अंदर कानों में हम रुई डाल के लंग्स का जो साउंड है, नॉइस है, उसको सुनने का प्रयत्न करते हैं, हार्ट का नॉइस और माइंड मॉडिफिकेशंस का सुनने का प्रयत्न करते हैं। पर ये सारी चीज़ें सिंसियर वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ सिंसियर वर्क, लंबे समय तक अगर हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम साइलेंस को अंदर क्रिएट कर सकते हैं। You will be surprised at the noise that modifications make. Later you will be surprised to feel the intensity of your emotions, and later you will see them, their form and color. You will gradually enter the molecular world, the astral world. तो जैसे जैसे ये साधना बढ़ेगी और आप ये माइंड मॉडिफिकेशंस के नॉइज सुनते जाओगे तो आप एक सरप्राइज महसूस करेंगे, ओह इतना कोलाहल अंदर चल रहा है, इतनी गड़बड़ अंदर चल रही है, अभी तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम सुन सकते नहीं है। लेटर यू विल बी सरप्राइज टू फील द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। अभी हमारे इमोशन जो है कितने स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंटेंसिटी भी हम अंदर देख पाएंगे कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक एक इमोशन उठता है तो हमें बेकाबू होके ले जाता है, हमें कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। तो वो भी आप अंदर देख पाओगे, ओ ये देखो इमोशन किस तरह के हैं और कितनी इंटेंसिटी वाले हैं कि हमें लाचार बना देते हैं। एंड लेटर यू विल सी देम देयर फॉर्म एंड कलर। और इसका जो इमोशंस के भी कलर आप देख पाओगे और उसका फॉर्म भी देख पाओगे। अभी तो क्या हम समझ नहीं पाते कि इमोशंस का कोई कलर भी हो सकता है या उसका फॉर्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज़ है और इमोशन बहुत द फास्टेस्ट थिंग। विचार से ज़्यादा फास्ट इमोशंस है। विचार तो उठने में टाइम लगाता है पर इमोशंस तो तुरंत इंस्टेंटली बाहर निकल आता है और उसके कलर है। वैसे तो हम कुछ जानते हैं कि भाई जैसे कि एक शांति है तो उसका वाइट कलर है, गुस्सा है उसका रेड कलर है, तो दूसरे जो ये ग्रीन कलर है वो भी अच्छा कलर है, पॉजिटिव कलर है। इस तरह जो कलर है उसको इमोशन के साथ संबंध है, पर वो एक्चुअल व्यक्ति अंदर देख पाती है और उसका फॉर्म भी देख पाती है। यू विल ग्रेजुअली एंटर द मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड। और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड क्या है, उसमें क्या है, ये वर्ल्ड से क्या डिफरेंस है? रिलेटेड तो है, एस्ट्रल फिजिकल बॉडी है तो फिजिकल वर्ल्ड है, एस्ट्रल बॉडी है तो एस्ट्रल वर्ल्ड है।
मेंटल बॉडी है तो मेंटल वर्ल्ड है, पर क्या है एस्ट्रल वर्ल्ड? क्या है ये? भूलोक है, उसके ऊपर भूवलोक है और उसके ऊपर स्वर्गलोक है। ये जो भूवलोक है वो एस्ट्रल वर्ल्ड है, और जब हमारा फिजिकल बॉडी छूट जाता है उसके बाद में कुछ समय तक हमें ये भूवलोक में एस्ट्रल वर्ल्ड में रहना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं होता है तो हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है हमारे पास। तो एस्ट्रल बॉडी कहाँ रहेगा? एस्ट्रल वर्ल्ड में रहेगा, और फिर उसका टाइम होगा तब भी वापिस वो फिजिकल बर्थ लेके फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा। हाँ, तो ये जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, अब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मृत्यु के बाद वहाँ जाना है, ऐसा वो साधना के अंदर भी हम उतर के एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। और तावाजी जी कहते थे कि बहुत फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, एक जैसे कि आजकल जो जवान लोगों को ये फिल्म का और ये कैसा एक ग्लैमरस फैसिनेटिंग लगता है ना, क्या ये दुनिया जो है फिल्म इंडस्ट्री की वो कितनी ग्लैमरस लगती है कई लोगों को, ऐसी ग्लैमरस वो दुनिया है, ऐसी चीज़ जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत कुछ होता है, ये पांचों इंद्रिय के भोग जो है वहाँ भी है, पर वो अलग रूप से होते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रल वहाँ एस्ट्रल की इंद्रियाँ काम करती हैं। तो ये एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, पर साधना के अंदर ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ये अनुभव होना, साधना के अंदर भी हम एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जब एक योग के अंदर प्रयोग आता है सेपरेशन ऑफ द बॉडी, तो सेपरेशन ऑफ बॉडी जब होता है तो एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल बॉडी से वो जाता है, वो घूमता है, वो एक्सपीरियंस लेता है। इन सारी चीज़ों का महत्व क्या है? कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इससे सीखना होता है। फर्स्ट एंड नॉलेज जो है, फ्रेश नॉलेज। तो अभी तो हम एस्ट्रल अगर बात करते हैं तो कुछ सुनी सुनाई बात करते हैं, जो पढ़ा है वो बात करते हैं। जब आप एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं तो आप फ्रेश वो सब देखते हैं, समझते हैं और फर्स्ट एंड नॉलेज लेते हैं, और वो जो है ये इवोल्यूशन की यात्रा के अंदर का एक भाग है। ये क्यों करना है? क्योंकि इवोल्यूशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ का होना जरूरी है, इवोल्यूशन का पार्ट है, इसीलिए ये सब करना होता है। यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज दैट द मोर यू प्रैक्टिस दिस सी, सी मतलब ये कॉटन वाला प्रयोग कानों में, द मोर यू विल बी एबल टू कट ऑफ आउटसाइड नॉइसिस अराउंड यू। अब ये जब सी की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कानों में प्लगिंग करके जो अंदर का साउंड सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आप बाहर घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं, और जो है आप बाहर का सराउंडिंग साउंड को नहीं लेना चाहते तो वो नहीं सुन सकते। तावाजी जी कहते थे ना कि मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा, मैंने गुरु को पूछा कि ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है, तो कहा कि शेयर बाजार में जाके करो। तो शेयर बाजार में मतलब क्या हुआ कि जहाँ हल्ला गुल्ला है, कोलाहल है, ऐसी जगह में हमारे अंदर जो पीस है उसको हमें मेंटेन करना है। For after gaining sufficient practices, E should then be practiced without plugging the ears with cotton. तो फिर ये सब कॉटन वॉटन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठोगे और अंदर सुनने का प्रयत्न करोगे और आपकी आवाज़ आप सुन सकोगे अंदर। As you gain the ability to enter the molecular world at will, you will find that amidst the loudest physical sounds,
यू कैन बी इन अदर साइलेंस, द साइलेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर और एस्ट्रल वर्ल्ड। अब जब हमारे अंदर ये एबिलिटी आती है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के अंदर एंटर होने की या एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर एट विल हमारी इच्छा से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने की हमारे अंदर एक एबिलिटी क्षमता आती है, तब जो और फिजिकल साउंड होते हैं वो उसके वो होते हुए भी हम साइलेंस के अंदर जा सकते हैं। वो स्थिति को क्या कहते हैं योग के अंदर? हाँ हाँ नहीं पहले आपको बोली नहीं नहीं कई प्रैक्टिस योगनी हाँ प्रत्याहार कई कौन सी स्थिति है प्रत्याहार कि अभी चाहे बाहर कितनी भी हल्ला गुल्ला है पर उसने अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लिया। प्रत्याहार मतलब क्या? विड्रॉल ऑफ सेंसेस। तो सेंसेस को विड्रॉल कर लिया तो हो गया प्रत्याहार। अब चाहे बाहर कितना भी कुछ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तावड़िया जी हर साल सांगली जाते थे मई महीना के अंदर, और वो बस से जाते थे, बम्बई से बस से बैठते थे सांगली की, और रात की बस होती थी। और जब वो जाते थे तो उस जमाने में वो बस वाले वो पिक्चर चलाया करते थे रात को पूरी कैसेट लगा के, और तावड़िया जी हमेशा फर्स्ट सीट के ऊपर ही बैठते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई आप तो यहाँ बैठे हैं और ये पूरी रात सब चलेगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कान बंद कर लूँगा। जैसे हम आँख बंद करते हैं इस तरह वो कहते हैं कि मैं कान बंद कर लूँगा। तो क्या करते होंगे? विड्रॉल ऑफ सेंसेस, जो सुनने की जो इंद्रिय है उसको ही बंद कर दो। चाहे वहाँ पिक्चर चल रहा है या कुछ चल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। Do not imagine that the molecular or astral world is silent. उसको महसूस करना है, इमेजिन नहीं करना है कि ये astral world है इसमें शांति है, उसका अनुभव करना है। But about this later, अब इसकी बात वो बाद में करना चाहते हैं। On your sincerity, on your diligent practices will depend much. सबका आधार क्या है? आपकी सिंसियरिटी और आपकी जो प्रैक्टिसेस डिलीजेंट प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर ही सब मदार है। आई एम नो वन इन कंपैरिजन टू योर ओन इनर सेल्फ। आपका जो अंदर बैठा हुआ भगवान है उसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। आपका जो अंदर का भगवान है वही आपको गाइड करेगा। पर मेरा काम क्या है? आई कैन डू इज टू इंट्रोड्यूस योर introduce you gently to your own inner self, then my job is over. मेरा काम क्या करना है? आपका जो गुरु है वहाँ तक ले जाने का मेरा काम है। मतलब क्या हुआ? बाहर का गुरु का रोल जो है वो अंदर के गुरु तक ले जाने का है, फिर जो है वो अंदर का गुरु जो है वो संभाल लेता है पूरा। पर ये भी कोई सामान्य गुरु यहाँ तक नहीं ले जा सकता। जो गुरु ने खुद ने अपने अंदर के गुरु का अनुभव किया है वही गुरु हमें ये हमारा इनर सेल्फ है वहाँ तक ले जा सकता है। फिर आगे की यात्रा धारणा ध्यान समाधि की जो साधना है वो इनर गुरु सिखाता है, वो बाहर का गुरु नहीं सिखा सकता है। इसीलिए गुरु का रोल यहाँ ख़त्म होता है, फिर अंदर का गुरु जो है वो ध्यान की वगैरह की आगे की स्थिति है, आगे का जो साधना है वो फिर वो बताता है। हाँ पर प्रत्याहार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसमें भी बहुत जन्म लगते हैं। और प्रत्याहार जब पक्व होता है तब इनर सेल्फ के हम पास जा सकते हैं।
अब लास्ट में वो एक पतंजलि महर्षि का एक योग सूत्र में से सूत्र देते हैं, वन द मैजिक ऑफ द सोल इज ग्रास्प बाय द पर्सनालिटी द सोल सेल्फ स्टेडिली डोमिनेट्स एंड कैन बी ट्रस्टेड टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेनिंग ऑफ द मैन टू फ्रूशन। यहाँ ये पतंजलि महर्षि का सूत्र है, क्या कहते हैं, वन द मैजिक ऑफ सोल इज ग्रास्प बाय द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब हमारी जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो जो है वो आत्मा का जो मैजिक है, सोल मैजिक ऑफ सोल मतलब जो जो आत्मा तत्व है उसकी उसकी जो उसके अंदर की जो ये है मतलब आत्मा तत्व का एक शक्ति, उसको जब हमारी बॉडी ब्रेन सिस्टम जान जाती है पहचानती है या एक तरह से उसको सरने जाती है, जब सरेंडर करती है अंदर के गुरु को, मतलब हम जो है जिसको हम कहते हैं तो हम या जीव, अब जीव जो है वो अंदर का जो शिव है अंदर का जो आत्मा तत्व है उसको स्वीकारता है, उसके सरेंडर जाते हैं, तब क्या होता है कि फिर सोल का डोमिनेट होता है, सोल जो है वो वर्चस्व में आ जाता है। अब बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो सेकेंडरी हो गई, अब जो है वो सोल जो है, अब क्या है हमारा कि बॉडी ब्रेन सिस्टम अभी पावर में है, जो कुछ चल रहा है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम से, और हमारा जो सोल है वो जैसे सेकेंडरी हो गया, एक अंदर की एक स्थिति में पड़ा है, अभी हम उसका कोई ना गाइडेंस ले सकते हैं ना कोई उसका लाभ ले सकते हैं, पर ये स्थिति जब बनती है तब आत्मतत्व जो है वो खिल उठता है और भी वो फिर हमें आगे ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग ऑफ द मैन ऑफ फ्रूशन, जो जो सुख है अंदर का आनंद है वो किस तरह प्राप्त करना है उसकी ट्रेनिंग जो है वो आत्मतत्व फिर मैन मैन मतलब ये जो जीव है उसको फिर देता है। तो ये योग सूत्र का एक सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ ये मीटिंग पेपर ख़त्म करते हैं और तावरिया जी कहते हैं गॉड ब्लेस यू।